हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, एक हमारे व्यूअर हैं जो कि टैली आरपी 9 पर काम करते हैं, और उन्होंने कहा है कि जब वो लेज़र बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने सेल्स अकाउंट की बात की है और सेल्स का लेज़र शो ही नहीं कर रहा है, तो ये कहां से गड़बड़ी हो रही है, हम क्या करें कि ये सही हो जाए, इसी की बात करेंगे। तो टैली आरपी 9 को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले से एक कंपनी मौजूद है, लेकिन हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। Alt के साथ F3 प्रेस कीजिए तो ये कंपनी इन्फो वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ से आपको C प्रेस करना है या इस पर माउस से क्लिक कर दीजिए, ये क्रिएट कंपनी जो दिख रही है, या तो C प्रेस कीजिए कीबोर्ड से तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर कंपनी के नाम से मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने कंपनी, और यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, आपका जो भी एड्रेस हो आप डाल सकते हैं, मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। इंटरप्रेस किया हमने और यहाँ पर कंट्री आ जाएगी इंडिया, स्टेट डालना कंपलसरी है, तो यहाँ पे एस यू प्रेस कीजिए, उत्तर प्रदेश आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे पिन कोड जो है आपके लोकल एरिया का जो पिन कोड होता है वो डाल दीजिए, इंटरप्रेस कीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो शुरू कब से होता है तो 1 अप्रैल, आपका काम कब से शुरू हो रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो जैसे मान लीजिए 2 तारीख से काम शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 2020 कर दूंगा मैं। एंटरप्रेस किया, वॉल्ट पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, एंटरप्रेस करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है वॉल्ट पासवर्ड डालने का, और ये जो कंपनी है पहले से बनी हुई अनिल एंड सन्स, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो शट कंपनी एच प्रेस कर दीजिएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, वरना आप माउस से क्लिक भी कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब ये कंपनी क्लोज हो चुकी है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, कभी भी जब आप एंट्री बनाइए, मैं बार बार समझाता हूँ और लगभग हर वीडियो में ये बात समझाता हूँ, कभी भी जब कंपनी बनाइएगा तो टैली का पर्पज ही होता है बिजनेस करना। अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो टैली का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप अपने घर के लेन देन के लिए टैली का सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते, महंगा पड़ेगा, ठीक है, और घर में जो खर्चे होते हैं उसके लिए आप एक कॉपी पे बनाइए, लिस्ट बना लीजिए या एक्सेल पे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लीजिए, उस पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये टैली जो है बिजनेस के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो अब यहां से जो है हमें चलना अकाउंटिंग वाउचर में, तो आइए अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, वी प्रेस करते हैं, आ गए हम अकाउंटिंग वाउचर में। यहां पेमेंट वाउचर शो हो रहा है, साइड में ये पट्टी जो हरे रंग की दिख रही है, यहां पर आप देख रहे हैं तमाम चीजें लिखी हुई हैं। हमें यहां से क्या चूज करना है, रिसिप्ट वाउचर, या तो माउस क्लिक कर दीजिए यहां पे और नहीं तो F6 फंक्शन बटन प्रेस कर दीजिए तो आप आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, एक बात याद रखिएगा। ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल यानी कि कोई भी बिजनेस करते हैं आप तो उसमें कुछ पूंजी निवेश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट में आप कंप्यूटर रखेंगे, प्रिंटर रखेंगे, हो सकता है सीपीयू माउस टेबल वगैरह वगैरह चेयर्स भी रखेंगे, तो इन सबको जो खरीदने में पूंजी आप निवेश करेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो वो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे और टैली में कैपिटल अकाउंट ही बनता है, ठीक है, आप बिजनेस अकाउंट या ऐसा कुछ नहीं बना सकते। आप अगर सही एंट्री करना चाहते हैं तो कैपिटल अकाउंट का एक खाता बनाइए, एक लेजर बनाइए। लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप यहां से लेजर बना सकते हैं, ये देखिए यहां पर अकाउंट इन्फो पर आ जाइए और अकाउंट इन्फो पर आने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां से लेजर बना लीजिए आप। दूसरा तरीका क्या है लेजर बनाने का, दूसरा तरीका यह है कि आप अकाउंटिंग वाउचर में ही रहिए और यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए तो लेजर क्रिएशन वाली विंडो पर आप आ जाएंगे। अब सही लेजर बनाएंगे और उसको सही ग्रुप में डालेंगे तब वो शो होगा, अगर सही ग्रुप में नहीं डालते हैं तो शो नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए यहां कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है, कैपिटल अकाउंट, तो ये बना लिया हमने कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए कि इसको हम हमेशा कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, अब अगर आप इसको गलती से बैंक अकाउंट में डाल देंगे तो क्या होगा, एंटर प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं पहले, ये करा लिया हमने एक्सेप्ट, ठीक है। तो अभी जब हम यहां पे सी प्रेस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट तो शो ही नहीं होगा, तो फिर हमने लेजर किस बात का बनाया, हमारा बनाया हुआ लेजर गलत हो गया तो यहां शो ही नहीं होगा। अब जैसे फिर मैं क्रिएट करता हूं, देखिए अल्ट के साथ सी प्रेस किया, अब अगर मैं कैपिटल अकाउंट दोबारा से बनाने की कोशिश करूंगा तो देखिए क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ये किया हमने, एंटर प्रेस किया और इसको डालेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। अभी आप सही काम कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का लेजर हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर ही बनता है। अब इसको एक्सेप्ट कराइए,
तो ये एक्सेप्ट हो गया और यहां पर आपका कर्सर आ गया। तो अगर आप ग्रुप अगर गलत चूज करेंगे तो कभी भी आप सही एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेजर शो ही नहीं होगा। तो ग्रुप आपको सही चूज करना बहुत जरूरी। यहां पर आ गए, अब यहां पर 1,00,000 रुपए मैं डाल देता हूं। 1,00,000 रुपए डाल दिया हमने। डेबिट किसको करेंगे, तो कैश को करेंगे, ठीक है। यहां से कैश को डेबिट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट करा लिया इसको। अब आ जाएंगे हम कहां, परचेज बाउचर में। अब हमको कुछ खरीदारी करनी है तो परचेज बाउचर में आ जाएंगे। तो यहां से परचेज बाउचर में चलते हैं। परचेज बाउचर के लिए प्रेस करना है हमें F9, या यहां से माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो कर दिया हमने। अब कोई भी सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने, जिस भी डेट पे आप परचेजिंग कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। अब यहां पर आ रहा है कैपिटल अकाउंट, ये देख सकते हैं आप। यहां पार्टी का नेम देना है। तो पार्टी दो तरह की होती है, एक वो जो माल खरीदती है और एक वो जो माल बेच रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें दोनों लेजर्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि हम परचेज करेंगे तो उसका हम कुछ लाभ भी उठाएंगे। यानी कि परचेज कर रहे हैं तो कुछ लाभ भी हमें मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि हमारी दुकान जो है फर्नीचर की है, या फिर सपोज कीजिए कि कंप्यूटर शॉप की हमारी दुकान है, तो कहीं ना कहीं आप होलसेलर से ये कंप्यूटर वगैरह खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो फिर उसको आप सेल करेंगे ज्यादा दाम में, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमें करना है। तो यहां पर मान लीजिए दो लेजर होते हैं, एक सन्ड्री डेटर का और एक सन्ड्री क्रेडिटर का। मैं आपको पूरी तरह से समझा देता हूं सन्ड्री डेटर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। देखिए, जब कभी भी आप परचेज बाउचर में जाकर परचेजिंग करेंगे, ठीक है, तो वो पार्टी हो जाएगी सन्ड्री डेटर पार्टी, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी। जब आप परचेज करेंगे तो परचेज करने वाली पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी होती है, और जो पार्टी, ठीक है, जो पार्टी माल खरीदेगी वो सन्ड्री डेटर पार्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या करता हूं, मैं राम क्रेडिटर लिख देता हूं। ये माल परचेज कर रहे हैं। अब ये कहां जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। अगर आप इसको गलती से किसी और ग्रुप में डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए सिक्योर्ड लोन, एंटर प्रेस किया हमने और एक्सेप्ट करा लेंगे इसको, ये एक्सेप्ट करा लिया, तो यहां पे तुरंत आ जाएगी एरर। या फिर ये एक्सेप्ट हो भी जाए तो भी हमारा लेजर क्रिएशन गलत हो जाएगा और हमारा लेजर शो नहीं होगा जब हम अब जैसे मान लीजिए परचेज का लेजर बनाना है, फिर दिखाता हूं मैं। तो यहां लिखा मैंने परचेज अकाउंट। अब इस परचेज अकाउंट को मान लीजिए हम कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल दें तो क्या होगा, ये देखिए ये एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो वो लेजर शो ही नहीं होगा, तो ये दिक्कत आ जाएगी आपको। तो यही दिक्कत कहीं ना कहीं आपके साथ आ रही है, और इस चीज को, कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर लीजिए आप। पहले ये जान लीजिए कि किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनता है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। कभी भी कैपिटल अकाउंट का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा, ठीक है। अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। अगर कोई क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना रहे हैं, यानी कि माल परचेज कर रही है फिर ले जाके वो बेचेगी, तो जो माल परचेज कर रहा है वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। कोई भी पार्टी का आप नाम दीजिए, ठीक है, वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। जैसे यहां कैपिटल अकाउंट मैंने कर रखा है, तो ये जो लेजर है वो गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये सही नहीं है। यहां पर कैपिटल अकाउंट अगर मैं रख भी देता हूं तो ये सही नहीं है। आप यहां कैश रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैश रखने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी पार्टी है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब फिर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। अब यहां पर हम सही लेजर बनाते हैं, जैसे राम क्रेडिटर में फिर कर रहा हूं, ओके। अब देखिए ये बोल रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हमको जो लेजर हमने क्रिएशन किया है उसको सही करना है। तो सही करने के लिए हम एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। आ गए बाहर। अब हमको कहां जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है। चलिए चलते हैं। अब लेजर्स में जाना है। लेजर में जाने के लिए एल प्रेस कीजिए। आ गए लेजर में। अल्टर में जाने के लिए आपको प्रेस करना है ए, ए प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दो दो कैपिटल अकाउंट के लेजर देख रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं कि कौन सा लेजर सही है और कौन सा लेजर गलत है। तो ये कैपिटल अकाउंट है, अंडर कैपिटल अकाउंट गया है, तो ये लेजर हमारा सही है। चलिए अब ये वाला कैपिटल अकाउंट का लेजर देखते हैं। ये कैपिटल अकाउंट का लेजर बैंक अकाउंट में चला गया है, तो ये वाला लेजर हमें हटाना है, डिलीट करना है। तो नीचे यहां डिलीट का बटन दिया हुआ है, ठीक है, यहां से आप डिलीट कर दें इसको। ये लेजर हमने डिलीट कर दिया। अब ये देखिए यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर बना हुआ है, इसको देखिए, ये अंडर कैपिटल अकाउंट चला गया है, इसकी हमें जरूरत नहीं। ये लेजर क्रिएशन गलत है। परचेज अकाउंट का लेजर कभी भी अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में ही बनता है। ये देखिए यहां से पी प्रेस कीजिएगा तो ये परचेज अकाउंट आ जाएगा। परचेज माने होता है खरीदारी करना, खरीदना,
ठीक है, तो ये हमेशा परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहां देखिए डिलीट का बटन आ रहा है, यहां से आप डिलीट कर दें इसको। हम सही लेजर क्रिएट करेंगे अभी परचेज अकाउंट का। और कैश का लेजर कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेजर जो है कभी भी बनते नहीं है टैली में, ये पहले से बने बनाए होते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, इन दो लेजर्स को क्रिएट करने के बाद, यानी सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर हमने क्रिएट किया, जो कि राम क्रेडिटर, पार्टी का नाम है राम, और आपके पहचान के लिए, आपके समझने के लिए मैंने यहाँ क्रेडिटर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ कैपिटल अकाउंट का लेजर भी बनाना हमने सीख लिया है। आइए चलिए अब चलते हैं वापिस से अपने अकाउंटिंग वाउचर में। तो ये आ गया हम अकाउंटिंग वाउचर में। अब जो भी एंट्री बनानी हो, चलिए मान लीजिए 455 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर रख लेते हैं हम, और यहाँ पर 2 अप्रैल को ही ये खरीदारी हो रही है। अब यहां पर आएंगे तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, लेजर बनाना है तो अल्ट के साथ सी। अभी देखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे। देखिए यहां पे कर रहा हूं मैं कैपिटल अकाउंट, ये किया हमने, एंटर प्रेस किया, तो ये कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कैपिटल अकाउंट है पहले से। अब हमें क्या बनाना है, हमने सन्ड्री क्रेडिटर बना लिया है, अब हमें सन्ड्री डेटर बनाना है। तो यहां पर लिखता हूं रमेश। अब ये जो है डेटर पार्टी का लेजर बना रहे हैं, ठीक है, हम माल जो हमसे ये करेगा उसे हम डेटर पार्टी में रखेंगे। जैसे आप सप्लायर हैं, आप माल बेचेंगे, खरीदने के बाद फिर ले जाके बेचते हैं, तो ये आ जाएगा डेटर पार्टी में। तो यहां पर सन्ड्री डेटर कर दीजिए, ठीक है, जो माल आपसे खरीद के ले जाता है वो डेटर पार्टी होती है। एंटर प्रेस किया। अगर आप उधार माल बेचते हैं तो यहां से आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, ठीक है, और क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। अगर नहीं वो समय से चुका पाता है उधार, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी विकल्प खुला हुआ है, तो ये सब चीजें बाद में सीखेंगे हम, पहले एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ पर आप डेटर पार्टी का एड्रेस डाल सकते हैं। अब मान लीजिए लोकल की ही पार्टी है, जहाँ का दुकान है वहीं की पार्टी है, तो यहाँ पे मैं न्यू कॉलोनी देवरिया लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इंडिया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पिन कोड है तो पिन कोड भी डाल सकते हैं, एंटर प्रेस किया हमने। और यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूँ, रेगुलर रखना है आपको, जीएसटी आईएन नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, एंटर प्रेस करिए, एक्सेप्ट करा लीजिए, और इसको भी अब एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा, पहले से हमने बनाया नहीं, टैली क्रिएशन वाली विंडो पर अकाउंट इन्फो पर जाकर लेजर पर जाके वहां से हमने नहीं बनाया, यहाँ पर भी बना सकते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ लिखिए परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में, पी प्रेस कीजिए, परचेज अकाउंट आ रहा है, एंटर प्रेस किया हमने, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट, डिस्काउंट वगैरह देना नहीं है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, और ये टाइप्स है गुड्स, ठीक है, एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर वो तमाम सामानों की लिस्ट यानी स्टॉक आइटम हमें बनाने हैं जो कि हमें परचेज करना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, और यहां पर मान लीजिए कि हमें कीबोर्ड परचेज करना है, कीबोर्ड, एंटर प्रेस किया। यूनिट बनाने के लिए भी आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना पड़ेगा, तो सिंबल मैं दे देता हूं आईटीएम, आइटम सिंबल दे दिया हमने, और आइटम देने के बाद एंटर प्रेस करके नीचे आऊंगा, इसका फॉर्मल नेम पैक, और यहां पर पैक कर सकते हैं आप या पैकेट कर सकते हैं, जो भी है पीस कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे पैक कर देता हूं पैक्स, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, यहां जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा, एंटर प्रेस करिए बस। अब यहां पर क्वांटिटी की बात आएगी, ठीक है, 7 क्वांटिटी मान लीजिए हम खरीद रहे हैं, और एक क्वांटिटी की कीमत जो है 180 रुपए है, ये हम परचेस कर रहे हैं, फिर हम ले जाके इसको सेल करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आइटम जो है कुल मिलाकर हो गया 1260 रुपए का। अब इस पर आपको लगानी है जीएसटी। जब भी आपको जीएसटी लगानी हो तो आपको जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा। मैं लेजर क्रिएशन बता देता हूं, अगर जीएसटी वाला आपको वीडियो देखना है तो आप, मैं ऊपर जो है एंड स्क्रीन नोटेशन लगा देता हूं, उसमें से क्लिक करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जीएसटी वाला भी लिंक दे दूंगा। चलिए यहां पर हम करते हैं सी जीएसटी, तो यहां जैसे ही सी प्रेस करेंगे तो सी जीएसटी तो आ ही नहीं रहा है, लेजर तो बना ही नहीं है, तो हम बना लेते हैं अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं। देखिए जो जीएसटी का लेजर होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, पहला होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी एक ही राज्य से एक ही सेम राज्य में माल बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो उस समय सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही लगाए जाते हैं।
जब राज्य से बाहर माल बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो उस समय हम IGST ही लगाते हैं। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिर्फ IGST लगाना रहता है आपको। तो जब भी आप GST इनेबल करेंगे तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा टैली और आपको उसको फिल करना पड़ता है। इसके बाद एक और GST होती है जो कि UT GST के नाम से जानी जाती है, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरेटरी का क्या मतलब है, जो भी हमारी यूनियन टेरेटरी है जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, लेह है, लद्दाख है, ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो इलाका है इसे हम यूनियन टेरेटरी के नाम से जानते हैं। तो यूनियन टेरेटरी की जब भी बात आती है तो उस समय हम UT GST लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है और भी वीडियोस मैं इस पर बना दूंगा। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं परचेज अकाउंट, तो ये हमने कर दी, सॉरी यहां पर हमें स्टॉक क्रिएशन करना है। यहां पर हमें CGST का लेजर बनाना है, तो यहां लिखता हूं CGST, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर ये जाएगा, अंडर में कहां जाएगा ये जानना जरूरी है। तो जब भी GST से संबंधित कोई भी लेजर बनाएंगे तो वो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक ग्रुप होता है जो कि पहले से बना बनाया होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो यहां पर डी प्रेस कीजिएगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको शो हो जाएगा। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये किस टाइप का टैक्स है, तो ये है GST, एंटर प्रेस कीजिए। ये कौन सा GST है, यहां पर देख सकते हैं मैंने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी CGST लगाया है, तो आपको सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करना है। कर लिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह अभी ऐसे छोड़ देंगे हम और यहां पर आ जाएंगे नॉर्मल राउंडिंग पे। ठीक है, लिमिटेशन अगर आप देना चाहते हैं तो 2 या 3 दे सकते हैं या अदरवाइज 0 भी रख सकते हैं। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, अब जैसे ही हम यहां आएंगे तो यहां पर हमें अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जैसे ही हमने CGST लगाया है तो यहां पर CGST हम नहीं लगा पा रहे हैं। तो अभी हम समझते हैं कि CGST क्यों नहीं यहां पे शो हो रहा है। तो जब हम, मैं आपको दिखाता हूं फिर से, जब हम इसको बनाते हैं तो हमारा GST जो है अभी इनेबल नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण जो है हमें ये शो नहीं करता है। GST जब हम इनेबल करेंगे तभी ये हमें शो करेगा। तो F11 प्रेस कीजिएगा तो कंपनी फीचर्स की विंडो पर आ जाएंगे। अब हमें जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे, यहां पर आ गए। अब यहां से हमको GST इनेबल करना है, तो ये देख सकते हैं आपको पहला ऑप्शन चालू रखना है, यस करना है, वाई प्रेस करना है, दूसरे ऑप्शन में भी वाई प्रेस करना है और एंटर प्रेस करते हुए यहां रेगुलर रखना है और GST IN नंबर डाल देता हूं मैं। ये आपके पैन नंबर से मिलता जुलता एक नंबर होता है, इसको टैली वेरीफाई करेगा। 2 अप्रैल से ये लागू हो रहा है, मंथली हम GST फाइल करेंगे। ठीक है, ई वे बिल चाहे तो आप नो रख दें, एंटर प्रेस करके नीचे आए और यहां पर सेट अल्टर GST डिटेल को यस रखना है आपको। एंटर प्रेस किया, अब यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं प्राइमरी आइटम या फिर कुछ और भी डाल सकते हैं। HSN कोड का कॉलम मैंने यहां पे चालू रखा है, तो HSN कोड मैं डमी डाल रहा हूं, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक HSN कोड होता है। यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, एग्जेम्प्टेड नीचे आइए। यहां पर जैसे ही आएंगे तो आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है, जो भी सामान है उस पर 12.2% का मान लीजिए टैक्स लग रहा है, तो 6.10 के हिसाब से डिवाइड हो गया ये। सेस के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। एंटर प्रेस किया और इसको अब एक्सेप्ट करा लिया हमने और कंट्रोल ए प्रेस करके पूरा एक्सेप्ट करा लिया। अब चलना है हमें उस वाले एंट्री पर जो हमने बनाई है। अब देखिए ये तो पहली हमारी एंट्री है जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में करी थी, वैसे कर लेंगे। यहां से हमें क्या करना है, वी प्रेस करना है वाउचर के, तो यहां से हमने F9 प्रेस कर दिया या यहां पे माउस से क्लिक कर दिया। तो अब यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, तो 577 नंबर का मान लीजिए इनवॉइस है, 2 अप्रैल को खरीदारी हो रही है। रमेश डेटर का नाम यहाँ आ रहा है, क्रेडिटर पार्टी का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। राम क्रेडिटर के नाम से यहाँ पे हम बना लेते हैं, राम क्रेडिटर कर दिया हमने, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब ये देखिए यहां पर जैसे ही मैंने किया तो ये बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, शो नहीं हो रहा है लेकिन यहां पे बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कहीं ना कहीं नाम मौजूद है। तो यहां पे सी प्रेस करता हूं तो कैश दिखाई दे रहा है, और अगर मैं यहां पे राम आर प्रेस करता हूं तो रमेश डेटर तो दिखाई देता है लेकिन राम क्रेडिटर शो नहीं हो रहा है। ऐसी ही कुछ दिक्कत आपके साथ हो रही होगी,
आइए हम, और अब हम चलेंगे कहां, यहां लेजर में। तो लेजर में आ गए हम, और लेजर में आने के बाद अब अल्टर में आना है। अब हमने बनाया है राम क्रेडिटर, यही है ना राम क्रेडिटर। अब जैसे ही इसमें आते हैं तो हमने इसको रख दिया सिक्योर्ड लोन में, तो ये दिखाई कहां से देगा, दिखाई नहीं देगा, तो इसको सही करना है। तो यहां पर आइए और इसको पहले डालिए आप सन्ड्री क्रेडिटर में, तो सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कीजिए, इंटरफेस कीजिए, और अब ये शो होगा। देखिए कैसे शो होता है, यहां से वी प्रेस करता हूं, 577 नंबर का हमारा इनवॉइस था, इंटरफेस करता हूं, अब देखिए तुरंत शो होने लगा राम क्रेडिटर, ये देख रहे हैं, इंटरफेस किया हमने। और यहां पे एड्रेस डाल देंगे, मान लीजिए लोकल की ही पार्टी है, अब यहां पे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और जो भी स्टॉक बनाएंगे वो यहां आ जाएगा। तो स्टॉक क्रिएशन करते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड था हमारा, अगर हम स्टॉक भी क्रिएट कर रखेंगे और दोबारा से स्टॉक बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेगा, बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे कि यहां पे बता रहा है। तो ये भी गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड का हमने पहले से बना रखा है, तो यहां सिर्फ के प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड आ जाएगा। और कितने आइटम, जैसे मान लीजिए 20 आइटम हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अब मान लीजिए एक आइटम पड़ रहा है 180 रुपए का, इंटरफेस किया हमने तो ये आ गया। अब हमको यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, तो यहाँ देखिए सीजीएसटी आ गया, अब हमको एसजीएसटी लगाना है, लेकिन एसजीएसटी यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन जीएसटी इनेबल हो चुका है, तो हम यहाँ एसजीएसटी का लेजर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और लिखिए एसजीएसटी, लिखा, एंटरप्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए सन्ड्री, एस एस प्रेस कीजिएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, इसमें आ गया, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। लेकिन हमें कहाँ रखना है इसको, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में नहीं रखना, हमें रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहां पर आपको प्रेस करना है डी, तो यहां से डी प्रेस कीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखना है इसे, ये आ गया। अब इसको जीएसटी है ये, और कौन सी जीएसटी है, तो इस बार स्टेट टैक्स है, तो स्टेट टैक्स सेलेक्ट कीजिए, इंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं 219.60 रुपए, और यहां पर चूंकि राउंडिंग हमने लगाया था, यहां पर हमने राउंडिंग लगाया हुआ था, तो राउंडिंग जीरो था, तो इसको इसने क्या किया है 220 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें हमने राउंडिंग थ्री दे दिया था, ठीक है। जैसे क्या होगा, अगर आप राउंडिंग जीरो रखते हैं तो 0.5 या उससे अधिक का कोई वैल्यू आएगा तो उसको वो आगे बढ़ा देगा, और 0.5 या उससे कम का कोई वैल्यू, 0.5 से कम का कोई वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 219.60 रुपए, तो ये 60 पैसे 0.50 या उससे ज्यादा है, ठीक है। अगर 0.50 पैसे भी होता है यहाँ पर, तो वो भी उसको राउंड करके क्या कर देता, पूरा 220 रुपए बना देता, तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरफेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ऐसी दिक्कत आपको आएगी तो इससे आप भयभीत ना हो, इस तरह से इसको सॉल्व कर ले। अब यहाँ पे आ जाइए इसके बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पर, दो बार डी प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दोनों एंट्रीज दिख जाएंगी। यहाँ पर इंटरफेस कीजिए और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, ठीक है, जैसे ही अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट होकर आपके सामने आएगा। अब मैंने इसका फॉर्मेट जो है पीडीएफ में सेव कर रखा है, तो यहां से मैं इसको परचेज के नाम से सेव करता हूं, परचेज ये किया हमने, डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। अब आइए चलते हैं डेस्कटॉप पे, देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है ये जो हमने ये एंट्री बनाई है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर पूरा का पूरा डिटेल आ चुका है और ये हमारी रिसिप्ट है। अब इसको चाहे तो आप प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसी चीज को हमें सेल करना है, जैसे मान लीजिए एक ही आइटम हमने खरीदा और इसी को हम बेच रहे हैं, अब तो हमारे पास कुल मिला के कितने आइटम हैं, 20 आइटम हैं कीबोर्ड के। अब मान लीजिए आप कीबोर्ड जब बेचेंगे तो कहां जाएंगे, कौन से वाउचर में जाएंगे, पहले बी प्रेस करता हूं, हम जाएंगे सेल्स वाउचर में, जब भी हम बेचेंगे तो सेल्स वाउचर में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए इसका पेमेंट हमें शो करना है, पेमेंट कहां पे जाके शो करेंगे, जैसे परचेज जो किया आपने उसमें आपने क्या किया, परचेज तो कर लिया, लेकिन जब उसका पेमेंट करना होगा तो आपको जाना होगा पेमेंट वाउचर में, तो पहले चलते हैं पेमेंट वाउचर में। तो यहां से F5 प्रेस कीजिए तो आ जाएंगे आप पेमेंट वाउचर में, आ गए। अब यहां पर आपको क्या करना है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, उसको समझना है। क्रेडिटर पार्टी होती है उसे हमें करना होता है डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर पार्टी ही हमेशा डेबिट होती है। तो यहां पर देख सकते हैं लेजर्स भी साइड में शो हो रहे हैं, तो राम क्रेडिटर जो है इसे हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इससे भी क्रेडिटर हमने कर दिया है, आप लेजर पहले से ही बना चुके हैं,
इसको हमें डेबिट करना। अच्छा बैलेंस कितना शो हो रहा है, 4,039.60 रुपए हमें चुकाने हैं, तो पूरा पूरा पैसा हम चुका देते हैं 4,039.60 रुपए। ठीक है, यहां पे हमने ये कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिट के कॉलम में आएंगे। अब ये पैसे हम कैश में चुका रहे हैं, चेक में चुका रहे हैं, मान लीजिए कैश में चुका रहे हैं, तो यहाँ कैश कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, तो ये हमारा हो गया पूरा, एंट्री हो गई पूरी, यानी जो हमने खरीदा उसकी एंट्री हमने पूरी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बेचने वाली एंट्री हम सेल्स वाउचर में कैसे करेंगे। तो सेल्स वाउचर में चलते हैं F8 प्रेस करके, और यहां पर कोई रेफरेंस नंबर मैं डाल देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो ये आ जाएगा डेटर पार्टी, आ गया, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं, ये हो गया। अब यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा, जो आपकी समस्या है उसी के बारे में बात करेंगे। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, यहां लिखता हूं सेल्स अकाउंट। अब ये गलती से कैपिटल अकाउंट में चला गया तो हो जाएगा अनर्थ, सेल्स अकाउंट अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब ये देखिए एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया आपने। अब यहां पे एस प्रेस करेंगे तो सेल्स अकाउंट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो ठीक से बनाया ही नहीं। और आइए चलते हैं इस लेजर को भी हम सही कर लेते हैं, लेजर में जाकर और अल्टर में जाकर, जब भी आपको सही करना हो आप अल्टर में चले जाएं। और यहां पर हमको सही करना है किसको, सेल्स अकाउंट के लेजर को सही करना है, हमने ग्रुप गलत डाल दिया है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा है। तो इसको जाना है अंडर सेल्स अकाउंट में, एस प्रेस कीजिए और ये आ जाएगा सेल्स अकाउंट, आ गया, और यहां से एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर एप्लीकेबल रखना चाहते हो तो यहां से रख सकते हैं। ठीक है, तो एंटर प्रेस करके और इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट। अब हम चलेंगे अपने उस अकाउंटिंग वाउचर पे चलेंगे, सेल्स अकाउंट 577 नंबर का हमारा, एंटर प्रेस किया और यहां पर आ जाएगा डेटर पार्टी का लेजर, आ गया, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। और यहां पर सेल्स अकाउंट का, तो अब ये सेल्स अकाउंट आने लगा, हमने सिर्फ कीबोर्ड ही खरीदा था तो यहाँ कीबोर्ड शो कर जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर जैसे मान लीजिए हम 4 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं इस बार, और हमने खरीदा था 180 रुपए का शायद, अब हम इसको बेचेंगे 220 रुपए में, तो 40 रुपए का प्रॉफिट आएगा हमारा। और यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी की बात कर लेंगे, सीजीएसटी लगा दिया हमने, 54 रुपए सीजीएसटी आ गया, चूंकि 880 रुपए पे ही कैलकुलेट हो रहा है तो दैट्स वाई 54 रुपए आ रहा है। अब एसजीएसटी लगाएंगे तो ये पॉइंट में भी आना चाहिए, ये देखिए पॉइंट में आ रहा है 53 रुपए 68 पैसे, तो वो राउंडिंग वाले हमने लगाया उसके वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस करके, और ये यहाँ पर पेंडिंग बिल जो है ये हमारा यहाँ से पता चलेगा, तो ये न्यू रेफरेंस है, तो एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे हम, ये करा लिया हमने एक्सेप्ट। ठीक है, इस तरह से हमारी एंट्री ये पूरी हो गई। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर आते हैं, यहां से हम फिर वापस चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, बिल जो है पेंडिंग है वो यहां से शो करेगा हमको, तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे डेटर पार्टी क्रेडिटर पार्टी आ जाएगा, और कितना बिल, अभी इसमें एक भी बिल शो नहीं हो रहा है, सारा पेमेंट हो चुका है। और यहां पर अब क्रेडिटर पार्टी को लेंगे, डेटर पार्टी को, तो यहां पे देख सकते हैं ये 987 रुपए 68 पैसे बिल शो कर रहा है, तो अगर इसको आप पे करना चाहते हो तो यहां से आप 987 रुपए 68 पैसे पे कर सकते हैं, जो आपने अभी माल बेचा है उसका पेमेंट लेने के लिए आपको यहां पे एंट्री करनी होगी। एंटर प्रेस किया हमने, तो ये जो है हमारा पुराना बिल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे इसको, तो ये देखिए पेंडिंग बिल वाली लिस्ट शो हो गई है। एंटर प्रेस कीजिए और इसको आप, ठीक है, ऑन अकाउंट कर दिया मैंने, और ये जो है कैश के रूप में प्राप्त हुआ है हमें, यहाँ कैश कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया, तो ये हमारी एंट्री हो गई पूरी। इस तरह से आपको एंट्री करनी होगी, और ये पूरा ही हमने बता दिया है, और आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरी वीडियो देख जाइएगा आप। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।